वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं। और मैं फिर से आ गया हूँ एक नया ब्लॉग लेके। और अभी तो 12 बज रहा है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। और आज तो बहुत गर्मी है। अभी अभी मैं नहा के आई हूँ। सुबह का पूरा सारा काम कर दिया है। करने के बाद मैं नहा के आई हूँ। अभी भी हेयर्स को मेरा अभी भी भीगा ही है। और मैंने हेयर्स को धो दिया था। मैंने पहले थोड़ा सुखा लिया था, फिर भी मतलब 20 में से अभी तक सुखा नहीं है। और मैंने ग्लास लगा के रखा क्योंकि गर्मी में तो खोल के नहीं रख सकती हूँ हेयर्स को। और आज सुबह से जितना भी काम है सब कुछ कर लिया है। अभी लंच बनाना बाकी है। आज सुबह मामी जी ने बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया था और मैंने शूट करने के लिए ही भूल गया था, दिमाग से निकल गया था क्योंकि इतना गर्मी है। मैं क्या बोलूँ, बहुत गर्मी पड़ा है। और इसीलिए मैं सोचा था शूट करूँ, फिर खा लिया है। खाने के बाद ज़्यादातर तो खा ही लिया, फिर मेरे याद रहा मैंने तो आज शूट ही नहीं किया। फिर मैंने तो कोई बात नहीं, कोई और दिन मामी जी ऐसे बनाते ही रहती है। और फिर मैंने फिर पूरा काम कर लिया है। काम करने के बाद फिर मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद अभी मैं सोचा क्यों ना पहले आप लोग से बात कर लूँ थोड़ा सा। बात करने के बाद ही मैं लंच बनाने के लिए किचन में जाऊंगी। आज सुबह से ही मैंने एक बहुत बड़ा सा फिश ले लिया था घर में ही। अभी बनाऊंगी मैं फिश करी मैं बनाऊंगी कलौंजी दे के। और इतना गर्मी पड़ा है, सिंपल तरीके से बनाऊंगी क्योंकि गर्मी में ज़्यादा मसाला वगैरह खाने के सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए सिंपल तरीके से बनाऊंगी। इसका रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। और गर्मी हो तो क्या हो, खाना पीना तो बंद नहीं होगा। घर का दिन का जितना भी काम है करना तो पड़ेगा ही। बहुत मतलब आज से ऐसे भीगा भीगा जैसा गर्मी है। धूप भी ज़्यादा नहीं निकला हुआ है। और धूप मतलब जैसा ऐसा मैं क्या बोलूँ, आज मतलब जब से गर्मी पड़ा है आज जैसा गर्मी नहीं पड़ा है। और अब ऐसे ही मतलब किचन में जाने का ही मन नहीं कर रहा है और खाने का भी इतना मन नहीं करता है क्योंकि खाना तो पड़ेगा ही। और हेल्थ तो ठीक रखने के लिए तो सभी को खाना है, तो जितना ही हो खाना तो पड़ेगा ही, भूख तो लगेगा ही। और आज शाम का भी मैं कुछ बनाने के लिए सोच रही हूँ। और शाम को साई के साथ तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ बना रही हूँ। इसका भी रेसिपी मैं डाल दूँगी। क्या बनाऊँ पता नहीं, अभी तक मैंने सोचा नहीं है। और भगवान से मैं दुआ कर रही हूँ भगवान जल्दी से आज बारिश आ जाए। और 2-3 दिन से अभी बारिश नहीं हुआ है, परसों से ही नहीं हुआ है। बारिश हो जाने से थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा और अच्छा लगता है मुझे, ठंडा मौसम ही अच्छा लगता है। और कोरोना वायरस हमारा गुवाहाटी में अभी 130, गुवाहाटी में नहीं असम में 130 को हो मिल गया है। और अभी भी बहुत डर लगता है। आप लोग घर में ही रहिए, सेफ रहिए, बाहर मत जाइए। कोई जरूरत नहीं होने से, जो जरूरत का काम होने तो जाना ही पड़ेगा, फिर भी सेफ करके जाइए, मास्क लगा के जाइए। बाहर निकल हैंड में भी आप लोग हो सके तो ग्लव्स लगा के जाने से ही अच्छा है बाहर जाने में। और ठीक है, अभी मैं जाती हूँ किचन में। मैं बनाऊंगी अभी लंच और फिर इसका रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, बाद में मिलती हूँ मैं आप लोग से। अभी एक बात रहा है, मैं लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज बनाऊंगी मैं फिश। और इसके लिए मैंने ये फिश को मैंने फ्राई कर रही हूँ। और ये 4 पीस मैंने फिश ले लिया है। 2 पीस पहले किया है और 2 पीस मैं ऑफिस फ्राई कर रही हूँ। और इसको मैं बनाऊंगी आज कालजीरा देके। इसका रेसिपी भी मैं डाल दूंगी। और हम लोग ये काला जीरा ही बोलते हैं और इसे कलौंजी भी बोलते हैं। और कलौंजी देके बनाऊंगी। अभी मेरा मांस फिश फ्राई हो गया है और ये 4 पीस लिया है मैंने फिश। इसके लिए मैंने अभी आलू को फ्राई कर लूँगी थोड़ा नमक देके। नमक मैंने डाल के मैंने इसको फ्राई कर लिया है। और अभी मैं अदरक ले लिया है, थोड़ा सा लहसुन और अनियन, और इसको मैं पेस्ट बना के लेके आती हूँ। और ये आलू को मैंने फ्राई कर लिया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करने से ही हो जाता है। और थोड़ा सा ऑयल ले लूँगी मैं, ऑयल थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए। और ऑयल को गर्म होने के लिए दिया है मैंने। अभी तेल गर्म हो गया है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देखिए कलौंजी दे दिया है। और ज़्यादा देने से अच्छा नहीं लगता है। देने के बाद अभी ये पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है। थोड़ा पकने के बाद देखिए कितना सा दिया है मैंने। और फिर इसमें मैं जो पेस्ट बना के लेके आया हूँ पेस्ट को डाल दूँगी। आप लोग बिना अनियन नहीं डाल के और अनियन नहीं डालने से भी बना सकता है, और लहसुन के साथ भी।
अभी मैं इसको थोड़ा पका लूँगी, बहुत टेस्टी होता है खाने में। इसमें मैं टोमेटो नहीं डालूँगी, आप लोग डाल भी सकता है, मैं नहीं डालूँगी, टेस्टी अलग आता है। और थोड़ा पकाने के बाद इसमें मैं मसाला डाल दूँगी, और इसमें मैं अभी मसाला डाल दूँगी। इसके लिए मैंने ये मिर्ची पाउडर ले लिया है, और मैं सबसे मिर्ची पाउडर ही डालती हूँ, और ये हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर दे दूँगी। धनिया पाउडर मैं 1 टीस्पून दिया है, आप लोग कम भी ज़्यादा भी दे सकता है, और मिला दिया है। इसमें मैं अभी नमक डाल दूँगी, नमक के साथ शुगर भी देने से टेस्ट अलग आता है, ज़्यादा नहीं, इतना सा शुगर दे दिया है। अभी इसको मिला के मैं मिला दूँगी, मिलाने के बाद थोड़ा देर पकने के लिए ऐसे ही रख दूँगी, ढक्कन नहीं लगाऊँगी। मसाला पक गया है, तेल ऊपर आ गया है, और इसमें मैं अभी आलू जो फ्राई कर रखा था डाल दूँगी। डालने के बाद इसको मिला दूँगी, आप लोग भी इसी तरह बना के खाइएगा, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, जल्दी ही हो जाता है। मसाला के साथ ही 2-1 मिनट इसे पका लेती हूँ। 2 मिनट हो गया है, अभी इसमें मैं पानी डाल दूँगी। मैंने गर्म पानी डाला है, और इसमें साथ में ही मैं अभी डाल दूंगी मछली। अभी मैं इसमें फ्रिज डाल दूंगी, और फ्रिज को मैंने डाल दिया है, और इसको अभी मैं ढक्कन लगाकर रख दूंगी पकने के लिए। जब आलू पक जाएगा तभी मेरा कलौंजी देने वाला जो फ्रिज का रेडी हो जाएगा, और मैं आप लोग को दिखा ही दिया लगभग। अभी ये उबल आएगा जाएगा 5 मिनट के बाद, मैं आपको बाउल में उतार के जब आलू पक जाएगा और मैं उतार के रख दूँगी, आप लोग को जब लंच रेडी हो जाएगा दिखाऊंगी। ये कलौंजी दे के बनाया हुआ मेरा फिश करी, देखिए कलर भी बहुत स्वीट आया है, और खाने में भी टेस्टी होता है। और ये मैंने लहसुन और आलू को फ्राई कर लिया है, बस इतना ही, दाल वगैरह नहीं बनाया है। बहुत गर्मी है, मैंने तो बोला ही आप लोग को बहुत गर्मी है, और इसीलिए अभी मैं लंच करती हूँ, उसके बाद आप लोग से बात करूँगी। और मैंने लंच कर लिया है, लंच में फिश करी बनाया था, मैंने तो बोला ही था, और इसका रेसिपी डाल दूँगी। और मैं अभी आई हूँ साथ पे, और इतना गर्मी है, उतना गर्मी है, क्या बोलूँ मैं, अंदर मतलब आप लोग रह नहीं सकता है, फैन भी काम नहीं कर रहा है, और ऐसा हालत हो गया है, और बहुत गर्मी है, और इसीलिए मैं इसके साथ थोड़ा साथ पे जाती हूँ। और धूप तो चला गया है, धूप मतलब नहीं है, अभी मैं सोचा साथ में जाने से थोड़ा हवा चलता है, हवा लग जाएगा। आज तो एक पेड़ का भी पत्ता भी नहीं हिला है, और इतना गर्मी है, और हवा भी नहीं चला है। मैं ऐसे ही मैं आ गई हूँ ऊपर, मैं सोचा मैं अभी नीचे ही चला जाती हूँ, और फैन के नीचे ही ऐसे ही बैठ लूँगी। और आज तो लाइट भी इतना काट गया है, क्या बोलूँ, और इन्वर्टर है फिर भी, और 1 घंटा तो काट ही दिया है। गर्मी जब भी होता है तब भी मतलब लोड शेडिंग हो जाता है और यही तो आदत ही है लोड शेडिंग होने का। और मैं नहीं अभी शर्ट से जो भी कपड़ा वगैरह है लेके जाती हूँ, अभी तो ज़्यादा देर नहीं हुआ है, 4:30 बजा है, और मैं दिन में नहीं सोती हूँ, आप लोग तो जानती ही है, और इतना गर्मी में बिस्तर में भी और भी नींद नहीं आता है, और ठंडा दिन में ही ठंडा में ही ज़्यादा नींद आता है, और इसीलिए मैं हवा भी नहीं है अभी ऊपर, अभी नीचे जाती हूँ कपड़ा लेके, और फैन के नीचे बैठती हूँ, और देखते रहिए आगे तक, आगे का ब्लॉग में क्या क्या करती हूँ आज का दिन में। और ठीक है, बाद में मिलती हूँ मैं। और देखिए गुआवा, मैं एक दिन आप लोग जो दिखाया था तो अभी फूल था, अभी इतना बड़ा हो गया है, और जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, बहुत सारा लगा है पेड़ में। और मैं सोचा ये बड़ा होने से मुझे गुआवा बहुत अच्छा लगता है, पूरा पेड़ में बहुत सारा गुआवा लगा है इस बार। और ये मैंने तो बोला ही था साल में तो 2 बार गुआवा लगता है, और अभी पूरा हैवी मतलब जितना भी डाल है सभी डाल में पूरा लगा हुआ है, ये ही ये भी है देखिए, और कितना इतना सा हो गया है, जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। और ये हवा भी चलता है गुआवा का,
मतलब और ये है बोगी 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 और बोगी बोगी और बोगी आज आजा पहले जैसे मिमी मेरे पीछे पीछे आता है आजकल बोगी भी मेरा पीछे पीछे आता है और मैं साथ पे हूँ वो भी आ गया है। नीचे बैठती थी बरंडा में फिर मेरा पीछे पीछे आ गया है। इसका भी बहुत गर्मी लगा होगा इसीलिए इसे साथ पे ऐसा कर रही है और हम लोग ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो तो जिबोई है वो तो ज़्यादा गर्मी लगता है उसको। और ठीक है मैं अभी हवा तो देखिए हवा भी नहीं चल रहा है पत्ता भी नहीं हिला है अभी नीचे जाके फैन पे ही बैठती हूँ। अभी इवनिंग का टाइम हो गया है 6 बज गया है ज़्यादा ही हो गया है और शायद खाने के लिए कुछ बनाऊंगी मैं आज रेसिपी शेयर करूंगी। पहले एक बार मैंने शेयर किया था फिर इसे कर रही हूँ मैं ब्रेड पकड़ा बना रही हूँ इसके लिए मैंने ब्रेड का स्लाइस ले लिया है और ये टमाटो सॉस ले लिया है और अब ये है मैंने ऑनियन और ग्रीन चिली को काट कर लिया है और ये सारा आलू को बॉयल करके छिलका हटा लिया है और ये ब्रेड पकौड़ा खा के बहुत अच्छा लगता है और ऊपर से इतना गर्मी है देखिए हालत पूरा खराब हो गया है और बारिश भी नहीं आया है इतना गर्मी है और बहुत गर्मी लगा है सबको अच्छा लगता है खा के इसलिए मैं बनाती हूँ ब्रेड पकौड़ा। इसका रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मैं अभी आलू को मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी हाथों से ऐसे कर तोड़ तोड़ के और इसके साथ मैं अभी मिला दूँगी ग्रीन चिली और अनियन का जो मैंने काट कर लिया है ज़्यादा देने से अच्छा लगता है अनियन मैंने दो अनियन को काट कर लिया है इसके साथ देने के लिए और ज़्यादा होने से अच्छा टेस्टी आता है। और इसके साथ मैं अभी क्या क्या डालूंगी आप लोग देखते रहिए। डालूंगी नमक नमक थोड़ा सा ही डालूंगी इतना सा और इससे मैं अभी मैं मिर्ची जीरा पाउडर अब मसाला ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि गर्मी भी इतना है थोड़ा थोड़ा टेस्टी के लिए ही डालूंगी। धनिया पाउडर डाला है थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी डाल दूँगी और मिर्ची पाउडर ज़्यादा नहीं डालूंगी इतना सा ही डाला है और ऊपर से मैं इसमें काला मिर्च का जो पाउडर होता है काली मिर्च का वही डालूंगी इसका चामच पता नहीं कहाँ गया है इसे हाथों से डाल दूंगी। ठीक थोड़ा सा ही दिया है मैंने अब इसको सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों से मैं मैश कर दूंगी और मैं इसको एक पेस्ट बना लूँ। मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है मसाला के साथ अभी देखिए दूसरी प्रोसेस में और क्या क्या कर रही हूँ मैं। हाँ सबको तो आता ही है फिर भी मैं किनारों को नहीं काटूंगी आप लोग चाहे तो काट सकता है फिर भी दिखा दूंगी एक को मैं किनारों को भी काट के अभी एक दो में इसी तरह मैं लगा लूंगी टमेटो सॉस और इसको पूरा अच्छी तरह से लगाना है देखिए पूरा लगाना है कम नहीं और लगाने के बाद इस दो को इसमें पूरा भर देना है आप लोग हाथों से भरे या चम्मच से भरे आपका खुद का बात है और तभी खा के अच्छा लगेगा। और इसी तरह सभी साइडों में मिला देना है कोनों में भी मिला देना है। मिला देने के बाद इसको एक ब्रेड फिर से मैं टमाटर सॉस थोड़ा सा लगा लूँगी ऊपर ऊपर से और इसके ऊपर इसी तरह प्रेस करके दे देना है और इसी तरह मैं रख लूँगी ब्रेडों को आप लोग देखिए इसी तरह। और इसके बाद भी और एक प्रोसेस है वो भी दिखाऊंगी मैं और इतना जल्दी होने वाला नहीं है ये टाइम लगता है। और ये भी तय कर लिया है मैंने इसमें मैं अभी नहीं लगाया और इसी तरह मैं दूसरे जो इतना भी ब्रेड है सबको तय कर लूँगी। और एक यही प्रोसेस से आप लोग बना सकते हैं इसको इसी तरह साइड को काट लेना है और मैंने नहीं काटा है आप लोग ऐसा भी बना सकता है मैं इसे दिखा रही हूँ और इसी तरह आपने साइड को काट लिया है साइड को काट देने के बाद
और इसी तरह सॉस को लगाना है इसमें अच्छी तरह से और इससे स्टफिंग भर देना है और ज़्यादा भर देना से टेस्टी होगा खाने से ज़्यादा। और इसी तरह से पूरा कर देना है। मैंने बना लिया है, इतना सारा बना लिया है। अभी मैं इसको एक एक करके काटूंगी, आप लोग देखते रहिए। दो बनाऊंगी अभी आप लोग इसी तरह टिकुनी की तरह इसको बीच में ही काट देना है। और मेरा स्टफिंग ज़्यादा हुआ है और इसी तरह मैं काट लूँगी सभी को। और काटने के बाद क्या करना है वो भी देखिए, आप लोग देखते रहिए, मैं इसे बाद में काटूँगी और दिखा दिया है काट के। ये बेसन ले लिया है मैं और इसमें और बहुत कुछ आप डाल सकते हैं। मैं इसमें डालूँगी अजवाइन, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक और पानी डाल के मैं एक पेस्ट बना लूँगी और इसको एक में बेटर बना लूँगी। और देखिए ज़्यादा पानी थोड़ा थोड़ा डाल के ही बनाना है। और मैं बनाने के बाद दिखाऊंगी। और देखिए मैंने और ये बेटर बना लिया है। और अभी कढ़ाई में मैं गैस में उठा दूंगी और इसको गर्म होने के बाद ऑयल डालूंगी। गया है, मैं इसमें अभी ऑयल डाल दूंगी। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है और थोड़ा इसमें ही हो जाएगा, आप लोग देखते रहिए। और मैंने थोड़ा और डाल लूँगी और दो करके मैंने फ्राई कर लूँगी। अभी गर्म होने के लिए रख दूँगी थोड़ा टाइम के लिए। सभी को मैं इसी तरह बीस बीस में काट लिया है। अभी इसको मैं क्या करूँगी आप लोग देखते रहिए। और मैं इससे इसमें दोनों साइडों से इसी तरह दबा फिर मैं इसको फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। और गैस को मैंने लो के कर ही रखा है क्योंकि और दो और एक डाल दूँगी। और इसी तरह मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए कितना बड़ा बड़ा होके फूल गया है। इसी तरह मैं दोनों साइड में इसे अच्छी तरह से पका लूँगी। और देखिए कितना अच्छा से पक गया है दोनों साइडों से और देखने में भी कितना अच्छा हुआ है। और मैं घोल बेटा मेरा थोड़ा पतला हो गया था इसलिए मैं और सब थोड़ा बेसन डाल दिया है। और अभी इसको मैं पक गया है इसको मैं उतार लूँगी और हो गया है ब्रेड पकौड़ा। और मैं इसी तरह ब्रेड पकौड़ा को घोल के साथ ही और ये अच्छा हुआ है क्योंकि गिरा नहीं है। और इसी तरह मैं सभी को ब्रेड पकौड़ा को फ्राई कर लूँगी। और आप लोग देखते रहिए, मैं फ्राई होने के बाद आप लोग को दिखाती हूँ। और देखिए मेरा ब्रेड पकौड़ा रेडी हो गया है। और अभी मैं इसके खाने के लिए चाय बना रही हूँ। और अभी चाय बना रही हूँ, इसमें अभी उबल आ जाएगा तो पकौड़ा के साथ चाय पी लूँगी। और मेरा हालत देखिए क्या हो गया है, और इतना गर्मी है, हालत पूरा ख़राब हो गया है किचन में। और अभी मैं ब्रेड पकौड़ा के साथ चाय पी चाय पीने के ठीक है बाद में मिलती हूँ मैं आप लोग से। 8 ही बज गया है, आज बहुत सारा कपड़ा धो के दिया था और अभी तक मैंने इसको ऐसे ऊपर से लेके बिस्तर पे ही रख दिया था। अभी तक मैंने इसको फोल्ड नहीं किया है
और इतना गर्मी भी है, मेरा बेडरूम में तो बहुत गर्मी है क्योंकि पूरा धूप ऊपर से मतलब पीछे से मेरा बेडरूम में घुस जाता है और इतना गर्मी और ऊपर से सात का गर्मी, और मेरे मतलब काम करने का ही मन नहीं है। और अभी मैं कपड़ों को फोल्ड करूँगी, काम ही खास नहीं होता है, काम करो निकल ही जाता है निकल जाता है। कपड़ों को फोल्ड करने के बाद ही मैं 8 ही बजा है, मैं 9 बजे किचन में जाऊँगी। आज मैं क्या बनाऊँगी, कुछ बनाऊँगी, दाल चावल, दाल आलू फ्राई और मछली फ्राई कर दूँगी, इसी तरह की बना लूँगी डिनर। और अभी अभी तो ब्रेड पकौड़ा और चाय खा ही लिया है। और आज मैंने गर्मी में मैं बिस्तर का जो चादर बेडशीट होता है, मैं हर मतलब हफ्ता में 2-3 दिन धो ही देती हूँ, अच्छा नहीं लगता है, नीचे का ही हो ऊपर का ही हो धो देती हूँ। अभी मैं बिस्तर चादर बेडशीट भी धो दिया था, और अभी मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, फोल्ड करके रख लूँगी। रखने के बाद मैं थोड़ा न्यूज़ देखूँगी, न्यूज़ देखने के बाद ही मैं खाना पकाने के लिए किचन में जाऊँगी। मैंने डिनर रेडी कर लिया है, करने के बाद मैंने नहा के आया हूँ, अभी तक डिनर नहीं किया हूँ किया है क्योंकि इतना गर्मी लगा मुझे खाना बनाने के वक्त। फिर मैं शावर के नीचे 10 मिनट नीचे करके बैठी थी और फिर फ्रेश होके आ गई हूँ, थोड़ा सा ही डिनर लूँगी आज। अभी तो 10 बज गया है, मैंने दाल बनाया, फिश फ्राई किया, आलू फ्राई किया और लेमू ले लूँगी, लस्सी साथ में सलाद ले ली, अभी तक काटा नहीं, सलाद को भी काट लूँगी। और इतना गर्मी क्यों पड़ रहा है पता नहीं, आज तो बहुत गर्मी है। और आज का ब्लॉग भी मैं एंड कर देती हूँ, डिनर लेके मैं सो जाऊँगी। और लाइट भी नहीं है, 2 घंटा हो गया है और अभी इन्वर्टर चल रहा है, पता नहीं और सुबह तक आएगा या नहीं आएगा लाइट। गर्म ही आ जाता है तो लाइट का मतलब ऐसा हालत हो ही जाता है, 2-3 घंटा लोड शेडिंग हो जाता है और सभी का घर में एसी वगैरह चल जाता है और मतलब इतना लाइट को मतलब कंट्रोल नहीं कर पा सकता है, इसलिए शायद काट देते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं है। और आज का ब्लॉग में यही एंड कर देती हूँ। आज का ब्लॉग देख के आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना। बेल आइकन प्रेस कर देने से जो भी ब्लॉग डालूंगी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। फिर मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। और अभी ड्रेस को भी चेंज कर लूँगी मैं, और अभी थोड़ा सा टाइम के लिए राहत मिला था, फिर से गर्मी लग गया है। और फिर मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय, गुड नाइट।